रायगढ़ जिले के पटीलपाली पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक ट्रेलर से मलबे को अनलोड करने के दौरान ट्रेलर की बॉडी 11,000 केवी लाइन से टकरा गई। गाड़ी के टकराते ही लाइन से चिंगारी निकलने लगी और आग लग गई। हालांकि समय रहते ही ड्राइवर ट्रेलर से नीचे कूद गया और उसकी जान बाल बाल बच गई। घटना जोटमील पुलिस चौकी क्षेत्र की है। पटीलपाली पेट्रोल पंप के पास एक ट्रेलर से डस्ट खाली कराई जा रही थी। पेट्रोल पंप के मालिक ने गड्ढों में भरने के लिए डस्ट मंगवाई थी। पेट्रोल पंप काफी दिनों से बंद है, इसलिए यहाँ बारिश के बाद गड्ढों की फिलिंग का काम चल रहा है। डस्ट खाली करने के दौरान ट्रेलर का डाला जैसे ही ऊपर उठा वो 11,000 केवी के हाई टेंशन तार से टकरा गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। इसके बाद तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। जूटमील पुलिस चौकी के प्रभारी कमल पटेल ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। वहीं 20 सड़क पर वाहन में लगी आग के कारण पटेलपाली से लेकर रायगढ़ और चंद्रपुर मार्ग पर जाम लग गया। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के बाद धीरे धीरे जाम में फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला गया।